कोरोना वायरस से देश और प्रदेश में इस संक्रमण के कारण अनेक लोग शिकार हुए हैं। वहीं प्रशासन के लॉकडाउन घोषित करने के बाद भी इस बीमारी ने सनावत के पास बसे एकता नगर में अपने पैर पसार लिए। यहां एक 32 वर्षीय महिला इस संक्रमण में शिकार हुई है। महिला के परिवार वालों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गणगौर के पूर्व महिला का पति महाराष्ट्र के जालना से आया हुआ था। उसी समय यह लोग परिवार के साथ रह रहे थे। समापन के बाद महिला का पति वापस अपने शहर चला गया। महिला को सांस लेने में शिकायत मिलने के बाद अपने उपचार के लिए 7 अप्रैल को सनावत सिविल अस्पताल लाया, जहाँ डॉक्टर अभिषेक मुकाती ने महिला का उपचार कर उसे खरगोन और फिर इंदौर रेफर किया गया। यहाँ सोमवार को महिला के सैंपल की जाँच के बाद आई रिपोर्ट में महिला कोरोना के संक्रमण में पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद महिला का इंदौर में उपचार चल रहा है। सोमवार को महिला की आई रिपोर्ट के बाद प्रशासनिक अमला एकता नगर रवाना हुआ। इसके बाद एकता नगर क्षेत्र के 3 किलोमीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। SDM मिलिंद ठोके ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया घोषित होने की अवधि में क्षेत्र के लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। साथ ही इस अवधि में वह महिला के संपर्क में आने वाले लोगों के बीच सैंपल लिए जाएंगे। इस अवधि में जो भी जहां भी महिला से संपर्क में आया था वहां भी जांच कर सैंपल लिए जाएंगे। सनावत से प्रभु दोगे की रिपोर्ट। ममता बलिराम नाम की 55 वर्षीय महिला थी, वो 7 तारीख को सनावत आई थी जाँच कराने। बलूत की रहने वाली, उसे खांसी की शिकायत, इसलिए उसके जांच करके उसे खरगोन भेज दिया गया था। दिनांक 8 को फिर वहाँ से वो इंदौर चली गई। फिर इंदौर में उसका टेस्ट हुआ तो वहाँ पॉजिटिव आई, और बड़ूद में जहाँ वो रहती है उसको पूरा सील कर दिया गया। पूरा सारे लोगों को आइसोलेशन में रखा जा रहा, पूरा एरिया क्वारंटाइन कर दिया गया। वर्तमान में महिला कहाँ पर सर? इंदौर में वर्तमान में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।